Hello, everybody. First of all, I really want to say sorry. We told you guys we will be there at 12 o'clock, but we couldn't come. We were in cricket and it got delayed to come home and everything. It was a very good day. And with me, I went with Dr. Jag Kalraji and we had an awesome time. And she's all rounder and she's an oncologist and hematologist and a very good singer and community worker. And today, the topic we are bringing with you is aging gracefully with health. So, Dr. Jag Kalraji, please come and say something, then we start. Hello, everybody. Good afternoon. Today we are at 4 o'clock, but we are here. We made a commitment, and as Jyoti ji said, we decided to go to the cricket stadium, which is built in Nasa County. It was really fun, an experience. So it's good to have experience, and that's our topic today, is aging gracefully but with health, not just aging. तो एज का आपको हमने पहले भी बताया, कोई नई बात नहीं करेंगे आज हम। थोड़ी सी वो बोलते हैं ना, जो पुरानी शराब है वो नई बोतल में डालेंगे, तो आज हम जस्ट न्यू स्टाइल से करेंगे, लेकिन दोहराते हैं, सेम ही चीजें हैं। एंड ब्रिंग अवर एटीट्यूड इन एवरीथिंग, सो वी कैन से दैट ओके, आई एम गेटिंग ओल्डर बट आई एम बेटर देन आई वॉज बिफोर। तो आपको मालूम है कि हिंदू फिलॉसफी में चार आश्रम होते थे, ज्योति जी, रिमेम्बर दैट? सो यस, आई मेरे ऑलवेज को तो वॉन्टेड, वृद्धा, वो जो क्या बोलते हैं, हाँ, यस, ब्रह्म जवानी, बचपना और जवानी, फिर संन्यास ब्रह्मचार्य, रिमेम्बर ब्रह्मचार्य? एंड में होता है, एंड में संन्यास। हाँ, संन्यास एंड में होता है। उसका ये मतलब नहीं कि हम लोग यहाँ पे संन्यास ले लेंगे। सो दैट्स हाउ द एजिंग हैज डिफरेंट, सर्टेन थिंग्स हैव नॉट चेंज। जो ब्रह्मचार्य का मतलब होता था, इट्स द एज ऑफ अ स्टूडेंट, द स्टूडेंट हैज टू लर्न टू गेट द टेक्निक्स एंड द ट्रेनिंग टू बिकम स्मार्ट एंड गेट अ गेनफुल जॉब एंड बी एबल टू गो इन टू गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम में यू गेट मैरिड, यू गेट सेटल, यू टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन, एंड दैट वे योर लाइफ स्टाइल इज लिटिल बिट डिफरेंट। एंड देन वी एंटर इन टू कॉल वानप्रस्थ आश्रम। वो तो बड़ा मजेदार है ज्योति जी, वो कहते थे वन में जाके घूमो। अच्छा, हम जैसे जाने लगे हैं, वी लिव इन अमेरिका बट वी स्टिल हैव इंडियन कल्चर इन आवर हार्ट। सो हम लोग थोड़ी थोड़ी बातें बिलीव करते हैं, लेकिन सारी नहीं बिलीव करते हैं। उसके बाद वो कहते हैं संन्यास है आश्रम, वी आर नॉट गोइंग इन टू संन्यास। सो फर्स्ट थिंग अबाउट ग्रेसफुल एजिंग इज एक्सेप्टिंग आवर एज। एज तो हमको सबको मालूम है आएगी, वी कैनॉट स्टॉप इट, इट्स गोइंग टू कम, एंड वी आर हियर, डोंट वी थिंक वी आर हियर, वी आर लिविंग, सो वी आर डूइंग वेल, वी गॉट टू दिस एज। अब हम कौन सी एज को बोले एजिंग है? सम पीपल विल टेल यू एज इज जस्ट अ नंबर। आई डोंट नो इफ आई टोटली बिलीव दैट, बिकॉज इट इज डेफिनेटली अ नंबर, बट अलोंग विद द नंबर कम्स योर बॉडी, बॉडी गेट्स चेंजेस डिफरेंट। हमको लगता है कि हम वो ही रहेंगे जो हम 20 की एज में थे, या 30 की एज में थे, या 40 की। नो, इट्स नॉट गोना बी लाइक दैट। आवर बॉडी चेंजेस अ लॉट, एंड एक्सेप्टिंग द नंबर एंड एडजस्टिंग टू द एज, कि एज के साथ हमारी जो लिमिट्स आएंगी वो आएंगी। लेकिन व्हाट्स द गुड पार्ट? द गुड पार्ट इज वी हैव एक्सपीरियंस, वी हैव एजुकेशन, सो एजिंग इज नॉट ए लॉस्ट यूथ बट ए न्यू स्टेज ऑफ लाइफ फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड स्ट्रेंथ, डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेंथ। सो हमारे को नई अपॉर्चुनिटी आती है, हमारे पास नए एक्सपीरियंस हैं। इफ यू वॉन्ट टू टीच समबडी, वी कैन टेल दम विद आवर एक्सपीरियंस, एंड हमारा जो जॉब का लर्निंग एक्सपीरियंस है, वी कैन टीच पीपल अ लॉट ऑफ थिंग। सो नेवर एनी एज एक्सेप्ट द एज दैट वे कि ओ अब मेरे ये हो गया, मुझे रिटायर होना। नो, जस्ट कीप कंटिन्यू डूइंग वट यू हैव बीन डूइंग, बिकॉज यू गॉट द न्यू कॉन्फिडेंस, वी हैव ए सेल्फ एस्टीम विच वी डिडंट हैव। Do you remember? I remember when I started doing residency in this country, when I came to this country, मैं कितना डरती थी सबसे, whether I will be able to talk or not talk. जो भी कोई कुछ कहता था, हाँ जी कहता था। Do you remember that, Jyoti ji, when you started doing a job, whatever the boss said, yes boss, yes. अब धीरे धीरे हमारे में आ गया, without saying कि putting somebody down, we are able to say, I have a different point of view. Respectfully, I would like to bring my point of view. So you are respecting them. At the same time, you are bringing your point of view instead of keeping inside. You are giving, bringing your point of view
एंड यू आर एबल टू, जिस कंपनी में भी आप काम करते हैं, अगर आप डॉक्टर हैं, अब रेजिडेंस हैं, आप समझ लो बिजनेस में करते हैं, आप लोगों के साथ काम करते हैं, यू आर एबल टू टेल देम योर पॉइंट ऑफ व्यू इंस्टेड ऑफ, अभी इंडिया में तो मैं अभी भी देखती हूँ सब जो नीचे काम करते हैं उनको, ठीक है गो गेट मी एक कप चाय लेके आओ मेरे लिए, अरे पानी नहीं दिया अभी तक, क्या करते हो, टेबल नहीं साफ करा, आई हैव सीन दैट, आई जस्ट वेंट देयर, इट डजंट वर्क लाइक दैट, वी लिव इन दिस कंट्री, सो इन दिस कंट्री देर इज नो जॉब दैट्स बिग और जॉब दैट्स स्मॉल, वी हैव टू ट्रीट एवरीबडी एज इफ वी आर ट्रीटिंग अवर सेल्फ, सो वेरी रिस्पेक्टफुली वी कैन टेल देम प्लीज आई नीड अ वन कप ऑफ टी बिकॉज यू आर नॉट जग जी, आप यू जैसे एजिंग का बता रहे हैं ना, तो मेरे को एक और बात इसके साथ साथ याद आ रही है, कि याद क्या आ रही है, इट्स अ रियलिटी। यस एजिंग प्लीज में आप देखो, पहले आप पहले बच्चे होते हो, फिर बड़े होते हो, शादी होती है, दैट इज पार्ट ऑफ एजिंग, फिर आपके बच्चे होते हैं, फिर आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनकी शादी होती है, राइट, दैट इज ऑल्सो ग्रेसफुल एजिंग, एंड एक्सेप्ट यू नो उसके बाद आप एक्सेप्ट ग्रैंड पेरेंट्स बन जाते हो, पर आप देखो आपको कितना एक्सपीरियंस हो रहा है, राइट, इन एक्सेप्ट सब एक्सपीरियंस के एक्सेप्ट साथ यू हैव टू टेक केयर ऑफ यस हेल्थ ऑल्सो बिकॉज यू आर यस ग्रोइंग, राइट, दैट्स व्हाट इट इज, एक्सेप्ट एक्सेप्ट द एज, नाउ दैट वी एक्सेप्टेड द एज वी हैव टू एक्सेप्ट आवर चिल्ड्रन द वे दे आर, दे मे नॉट लिसन टू यू ऑल द टाइम, बट आपको क्या कंट्रोल करना है, अपना माइंड कंट्रोल करना है, माइंड और अपनी जो भी है ईगो थोड़ा साइड पे रख के यू हैव टू लर्न टू लिसन टू अदर्स ऑल्सो, क्योंकि जब हम लोग पेरेंट्स होते हैं ना, छोटे बच्चे होते हैं, हम जोर से बोलते हैं ये कर लो, दे से व्हाई, वी से बिकॉज आई से सो, बट यू कैन डू दैट एनी मोर, अगर बड़े बच्चे हैं तो उनको बताना पड़ता है व्हाट इज योर रीजनिंग ऑफ टेलिंग यू, मे बी दे विल टेक केयर ओपिनियन, मे बी दे वॉन्ट, सो ये भी अंडरस्टैंड करना हम लोगों के लिए मुश्किल है बिकॉज वी आर ब्रॉट इन इंडियन कल्चर, बट वी आर लर्निंग दैट विद एजिंग एंड आवर एटीट्यूड चेंजेस विद आवर चिल्ड्रन एंड विद द ग्रैंड चिल्ड्रन, आपने देखा एज के साथ में ग्रैंड चिल्ड्रन आएंगे ना, अब आएंगे तो जो पेरेंट्स हैं वो बोलेंगे क्या करना है उनके लिए, आपको लगता है आपके पास एक्सपीरियंस है, यू कैन टेल देम ऐसे मत कर लो ऐसे मत, वो चेंज करना पड़ेगा थोड़ा, एंड अदर इम्पोर्टेंट थिंग इज डू नॉट गेट एंग्री, कंट्रोल योर एंगर विद एंड इमोशन, लर्न टू कंट्रोल इट, वो भी एजिंग के साथ ही करना पड़ेगा, मुश्किल होता है बिकॉज वी ऑल गेट वेरी लाइक सेट इन आवर एज, और हम अच्छा कर रहे हैं तो हमारा सब एक्सेप्ट करें, नो पीपल आर नॉट, एवरीबडी हैज, क्योंकि हम लोगों की एज के साथ साथ वो भी एज हो रहे हैं, वो सोचते हैं कि उनका एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है, हम चाहते हैं कि वो हमारा आइडिया देखें और हमारे व्यू देखें, हम चाहते हैं वो हमारे व्यू को समझे, सो ये हमारे जो एक्सपीरियंस है ये हम एक दूसरे से शेयर करें रिस्पेक्टफुली, आप मेरी बात सुनो मैं आपकी बात सुनूं, यही एजिंग का एक सक्सेसफुल इंग्रेडिएंट है, ये हो गया मेंटल कंट्रोल, मेंटल जब हमारा कंट्रोल हो जाता है तो हम फिजिकल भी कंट्रोल कर सकते हैं, और फिजिकल में जो हमने हेल्थ की बात करी है, हमने हमेशा सेम पॉइंट्स बात करे हैं, ब्रेन इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू बॉडी, इट्स कॉल्ड ब्रेन एंड बॉडी हेल्थ, माइंड ओवर मैटर्स और माइंड ओवर यू नो बॉडी, तो आपने जैसे आपका आर्ट ऑफ लिविंग है, एजिंग है, यू नो एजिंग का कौन सा, एजिंग वेल है, खूब सारे एप्स हैं इन गूगल, यू कैन फाइंड ऑल दोस थिंग्स, बट जो हम बात करेंगे ना हम उसमें अब हम हेल्थ का लाएंगे, विद एवरी एज देर आर डिफरेंट हेल्थ इश्यूज, अब हम बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं, विद द किड्स यू नो पेरेंट्स नो दे विल गो टू द डॉक्टर विल टेल यू कि क्या वैक्सीनेशन लगाने हैं क्या करने हैं, वो पेरेंट्स को मालूम होता है, पेरेंट्स उनको करते हैं, हम जैसे हम एज होते हैं ना, हम लेट्स कम टू आवर ओन हेल्थ, एवरी टाइम वी टॉक अबाउट द सेम थिंग, नो स्मोकिंग एंड नो ड्रिंकिंग, नो यू नो नो कहना बड़ा इजी है, सम पीपल आर यूज टू स्मोकिंग, सो ट्राई टू कट डाउन टू योर स्मोकिंग बिकॉज स्मोकिंग इज डेफिनेटली इंजूरियस टू योर हेल्थ, लंग्स, सो मेनी टाइप्स ऑफ कैंसर एंड ब्रेन को भी फ्राई कर देता है, सो द सेइंग दैट इज इनफ शुड बी इनफ, एंड ड्रिंकिंग, सोशल ड्रिंकिंग इज लिटिल बिट डिफरेंट देन ड्रिंकिंग एवरी डे, इफ यू आर ड्रिंकिंग वंस अ वीक अ लिटिल बिट वन मे बी इट्स ओके बिकॉज इट मे बी इट्स गुड, द रेड वाइन इज गुड फॉर योर हेल्थ, इट ब्रिंग्स योर कोलेस्ट्रॉल डाउन, सो मे बी इट्स ओके ओकेजनल ड्रिंक बट नॉट एवरी डे, सो ये दो बातें हम हमेशा करते हैं और फिर भी करेंगे, तीसरी चीज हमने अपने स्टमक पे कंट्रोल करना है, तो स्टमक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर हेल्थ, स्टमक से जो सारे इंग्रेडिएंट्स न्यूट्रिशन के हमारी बॉडी में जाते हैं,
वी ऑल टॉक अबाउट गुड हैबिट्स, गुड फूड, सात्विक भोजन। हमारे नरेंद्र जी हमको कहते हैं सात्विक भोजन, लेकिन क्या करें, सात्विक भोजन, तामसिक भोजन, हमें सात्विक भोजन कोई टेस्ट नहीं लगता। तो टेस्ट की भी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। सो फिर भी हम अपने बॉडी हैबिट्स थोड़ी चेंज करें, अपने माउथ को कंट्रोल करें, लो शुगर, लो सॉल्ट, मोर वेजिटेबल डाइट एंड लेस एनिमल डाइट। फिश इज ओके, वाइट चिकन इज ओके, बट द रेड चिकन एंड ईटिंग अ लॉट ऑफ बीफ इज नॉट दैट गुड फॉर योर हेल्थ। इट मे बी गुड टू मेक योर ब्लड, बट इट इज नॉट गुड एवरी डे, बिकॉज इट इंक्रीजेज योर कोलेस्ट्रॉल एंड द ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज। दैट्स वट वी आर कमिंग टू नेक्स्ट। सो हमने स्टमक को कंट्रोल कर लिया, और उस स्टमक को ऑल्सो कंट्रोल करना है एवरी डे, ट्राई नॉट टू हैव कॉन्स्टिपेशन। उसके लिए और वेजिटेबल खाइए, प्रोटीन दाल खाइए, जो भी कर सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन को दूर रखना है। और वाटर बहुत लीजिए, है ना? हाँ, ड्रिंकिंग वाटर, दैट ज्योति जी सेड, स्पेशली इन दिस वेदर। वी वर आउट टुडे इन 87 डिग्रीज, अभी से 87 हो गया तो पता नहीं गर्मियों में क्या होगा। अभी तो ऑफिशियल यू नो समर गर्मी पड़ने वाली है, सो हेल्थ यस को ख्याल रखना। यस यस, सो पानी जरूर पीना है और बाहर जाके अपना ख्याल रखना है। ये हम सेम बातें रिपीट कर रहे हैं, लेकिन हमने स्टमक का हेल्थ कर लिया, उसके साथ साथ जो हम अवेयरनेस करते हैं कैंसर की, कोलोनास्कोपी, उसकी बात आज हम नहीं कर रहे, आज हम जस्ट जनरल बातें कर रहे हैं। उसके बाद वी हैव टू टॉक अबाउट हार्ट हेल्थ। ये हार्ट हेल्थ है आफ्टर द एज ऑफ 45। लेट मी टेल यू दैट, पहले होता था एज 50 में एजिंग, अब जो एजिंग शुरू हो गई ना, एज 40 या 45 से शुरू हो गई। सो देयर आर लॉट ऑफ पीपल, वी हैव चिल्ड्रन एज 45। तो अब देखो, नई एज के साथ जो पहले वाली एज है उसके साथ स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। पीपल हैव स्ट्रेस, पीपल हैव इन्फ्लेशन, पीपल हैव सो मेनी थिंग्स इन लाइफ। द स्ट्रेस इज नॉट वेरी गुड फॉर आवर होल बॉडी एंड आवर ब्रेन। उस स्ट्रेस के साथ साथ हमारी जो नर्व्स हैं, जो वेन्स हैं, जो आर्टरीज हैं, वो ओल्ड होती जाती हैं। यू जस्ट हर्ड रिसेंटली पीपल आर डाइंग एट द एज 50। देयर इज नो नीड टू हैव अ हार्ट अटैक एट एज 50, बट इफ यू आर ईटिंग मीट एवरी डे, इफ यू आर ड्रिंकिंग एवरी डे, If you are taking salt, you are too much, all these things cause blood pressure. तो ये जनरल बातें हम रिपीट करते हैं, लेकिन जैसे हम अपने आप को रिमाइंड करते हैं, फॉर अ शॉर्ट टाइम इट स्टेज इन आवर माइंड, शॉर्ट टाइम। तो उसके बाद में हम ये हार्ट हेल्थ कर दिया, अनलेस देयर इज अ क्वेश्चन अबाउट द हार्ट, वी गो फॉर अ चेकअप। आज हम वैसे वो चेकअप की बात नहीं कर रहे हैं, वी जस्ट टॉकिंग जनरल हाउ टू कीप योर हार्ट हेल्थी टू स्टे यंग। दिस इज वॉट इज ग्रेसफुल एजिंग, यू कीपिंग योर हार्ट इन अ गुड शेप, you're keeping your stomach in a good shape, you're keeping your brain in a good shape. Attitude is almost everything. Agar aapka attitude acha hai, smiling hai, anger nahi karta, to hamari brain ko less stress karni padti hai, aur hamari brain acche se control karti hai ki jo bhi aayenge, challenges are always coming your life, not created by you, it could be created by circumstances, it could be created by people, but aapko apna अंदर का बैलेंस रखना है, दैट हेल्प्स यू डील विद द सिचुएशन इन अ बेटर वे इंस्टेड ऑफ लीश आउट। तो आपको एटीट्यूड कर लिया हमने, अच्छा चलिए एटीट्यूड हो गया, रिएक्शन अच्छा हो गया, उसके साथ में हमने जो न्यूरो मस्कुलर कंट्रोल करना है बॉडी, न्यूरो मस्कुलर मीन हमारी मसल्स और हमारी नर्व्स, जो हमारी न्यूरो मस्कुलर साथ में होता है उसमें क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो जाती है विद एजिंग, बिकॉज एज के साथ जो हमारे जॉइंट्स हैं, हमारी मसल है, हमारी नर्व्स हैं, वो पुराने हो जाते हैं, उनके आसपास कभी फैट की लेयर आ जाती है, कोलेस्ट्रॉल की लेयर आ गई, तो लेयर को हमने कम रखना है, स्पेशली क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन से अर्थराइटिस के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, दैट कम्स विद एजिंग। अर्थराइटिस कैन बी मेनी टाइप्स, इट कुड इवन कम एट एज 40, कैन कम एट एज 30, इट कुड बी एट यंग एज, बट वी नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, वी टॉकिंग अबाउट ऑस्टियोआर्थराइटिस which comes with the age. आप देखोगे आपको सुबह सुबह स्टिफनेस फील होती है, तो आपको सुबह सुबह उठ के अपनी फिंगर्स को हिलाना है, हाथ को हिलाना है, सो कीप देम नाइस एंड फ्लेक्सीबल, दैट विल बी डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट फॉर द होल बॉडी। तो जो स्पाइन है हमारा, स्पाइन जो होता है, दैट्स लाइक द मेन थिंग इन आवर बैक एंड आवर, कोशिश करते हैं हम, बोलते हैं ऐसे करके बैठो, स्पाइन को सीधा रखो, हाउ हार्ड इट इज दैट, क्योंकि हम कंप्यूटर पे ऐसे बैठते हैं, फिर ऐसे करके बैठना कितना मुश्किल होता है। सो दे टेल, वी आर ऑल वर्किंग इन द कंप्यूटर, इवन इफ वी आर नॉट रियली आउटसाइड वर्किंग, बट एट होम वी आर ऑन द कंप्यूटर,
वी आर ऑन सेल फोन, सो ईच एंड एवरी आवर गेट अप एंड स्ट्रेच एंड डू योर बॉडी लाइक दैट टू कीप आवर न्यूरो मस्कुलर ज्वाइंट मोर फ्लेक्सीबल. द मोर फ्लेक्सीबल दे आर द मोस्ट यूजफुल. आपके मुंह के ऊपर स्ट्रेस कम दिखाई देगी और लोग कह रहे हैं क्या अच्छी तरह से एज हो रहे हैं, अंदर तो हमको ही मालूम है क्या हो रहा है. तो ये हमारे हो गए न्यूरोमस्कुलर, स्पाइन वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल द मसल्स आर इम्पॉर्टेंट, बट द इम्पॉर्टेंट मसल मोस्टली आर द हैंड आर द फीट मसल, जो कि हमारे शोल्डर, आर्थराइटिस ऑफ शोल्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट. वी वॉन्ट टू प्रिवेंट द एक्सीडेंट इन एनी वे. सो अदर इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर एक्सरसाइज विद एजिंग इज कीपिंग द मसल्स फ्लैक्सीबल. बड़ी मसल, छोटी मसल, ये आपका इक्विलिब्रियम जो है, जैसे आप खड़े होते हैं तो इधर उधर नहीं जाना चाहिए. वन थिंग आई डिड इज ट्राई टू वॉक स्ट्रेट वेयर एवर यू आर गोइंग, ट्राई टू वॉक स्ट्रेट. वो जब पुलिस वाले किसी को अल्कोहलिक्स को पकड़ते हैं तो उनका बैलेंस चेक करने के लिए उनको स्ट्रेट लाइन पे करते हैं, तो आप भी अपने घर में ना लंबी स्ट्रिप में ना स्ट्रेट लाइन करिए. सोचिए कि मैं फैशन कर रही हूँ स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन से हमारा जो बैलेंस है ना वो सीधा रहता है. कोशिश करें, जाएगा इधर कभी उधर जाएगा, बट सूनर और लेटर ट्राई टू स्टैंड ऑन वन लेग, इफ नॉट जस्ट दोनों टोज को ऊपर करिए, कभी नीचे करिए, तो जस्ट ट्राई टू स्टैंड विद द लेस बेस. जो दोनों पैर हम रखते हैं तो बेस अच्छी होती है. आपने देखा होगा कि द लेग समटाइम्स इफ यू पुट देम ऑन द साइड जोड़े रखते हैं तो आपका बैलेंस अच्छा होता है, इकट्ठे करते हैं तो बैलेंस कम हो जाता है. सो ट्राई सेपरेट एंड देन पुट इट टूगेदर. And first with eyes closed, first with eyes open and then with eyes closed. देखे कितने लोग ऐसे कर सकते हैं. That balances our mind and our body. तो कोशिश करिए, ठीक है. तो हमने फिर अब हम आते हैं metabolism. तो ये जो सात चीजें हम body की कर रहे हैं, ये health रहने के लिए कर रहे हैं. What's metabolism? हमारा जो body का metabolism है, it's how we convert the food or whatever we eat into purposeful calories, mean good calories. There are good calories and there are empty calories. Good calories हमको सबको मालूम है, protein खाने से आती हैं. Vegetable में calories बहुत कम होती हैं, but that's why we want to put bulk. तो metabolism को अच्छा करने के लिए हमको diabetes control करनी है. अगर आपकी blood sugar थोड़ी सी ज़्यादा है उसको control करना है, अपनी thyroid को check करना है, because there's थायराइड ग्लैंड जब अगर वो कम काम करती है, सो दैट मेक्स यू हाइपोथायराइड. हाइपोथायराइड से क्या होता है कि वी गेन वेट बिकॉज आवर मेटाबॉलिज्म हैज स्लोड डाउन. सो वी वांट टू कीप द मेटाबॉलिज्म अप सो वी कैन बर्न मोर कैलोरीज. वो हमने कैसे करना है, बाय वॉकिंग और बाय डूइंग एक्सरसाइज. तो आप जैसे भी एक्सरसाइज करते हो ना वैसे करो. आई एम नॉट सेइंग कि जंपिंग करना है, आई कैन नॉट जंप एनी मोर. सो दैट्स विद एजिंग यू रियलाइज कि हम लोग जो रस्सी कूदते थे बचपन में, अगर ज्योति जी आपको याद है कितनी रस्सी कूदा करते थे. आई कैन नॉट डू दैट एनीमोर. बेस्ट एक्सरसाइज. या बट आई कैन नॉट लिफ्ट बोथ बोथ फीट एट द सेम टाइम. अब एक लेग उठती है, एक दूसरी नहीं उठती है. सो वी एक्सेप्ट दैट. एज सून एज वी एक्सेप्ट दैट, वी विल डू व्हाट आवर बॉडी सेज इंस्टेड ऑफ व्हाट आवर माइंड सेज. माइंड कनेक्शन, टेल योर माइंड डिफरेंस. एजिंग आती है तो वट एवर योर माइंड सेज यू कांट डू इट. या यू कैन नॉट. माइंड कहती है ऐसे तो दिल कहता है ये कर लो. नो, आपने देखना आपकी क्या कैपेसिटी है. अगर आप उछल नहीं सकते हैं, कूद नहीं सकते, डांसिंग इज अ गुड एक्सरसाइज. स्लो डांसिंग शुरू करो और धीरे धीरे. डांसिंग इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज. सो पीपल हु आर डांसिंग जस्ट कीप डांसिंग. अगर आप शाम को रोज एक दो गाने लगा के डांस करिए, हिप्पी हिप्पी या करो, जो मर्जी गाने लगाओ, बहुत दैट विल बी अ गुड एक्सरसाइज. तो एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीपिंग आवर मेटाबॉलिज्म, आवर स्केलेटल मसल्स एंड आवर ब्रेन इन अ गुड गुड कंडीशन. जैसे ही हमारे को ये बॉडी कंट्रोल हो गया, ब्रेन कंट्रोल हो गया, तो अब हमने क्या करना है, अब हमने क्या करना है. एक्सेप्ट कर ली हमने एज, आपने एक्सेप्ट कर ली ज्योति जी, मैंने भी कर ली. अब जरा लोगों को बताना मुश्किल है. यू नो इट्स नॉट गोना बी इजी कि ओ आई एम दिस ओल्ड, व्हिच इज इन अमेरिका इज अ नो. व्हेन यू सेलिब्रेट बर्थडे सबको पता लग जाता है. हां वो लग जाए, लेकिन हमने तो नहीं बताया ना. अब आप बैठे, आप मेरे से पूछा हाउ ओल्ड आर यू, आई एम गोना टेल यू दैट. आप ही गेस करो. यू हैव टू बिकम मॉडल कि ओ यू यू दिस इज योर एज एंड सी यू आर डूइंग सो मेनी थिंग्स सो अदर्स कैन मोटिवेट आल्सो. विल कम आल्सो
एज यू एज सम मोर, बिकॉज यू नो विद माई एक्सपीरियंस आई सी पेशेंट्स, वो बड़े प्राउडली बोलते हैं आई एम 85 डॉक्टर. आई सेड ओह माई गॉड यू लुक ग्रेट, बट आई नेवर टेल एनी बडी हु एंटर्स कि यू लुक गुड फॉर योर एज. टू मी सेइंग दैट इज लाइक पुटिंग देम डाउन, नेवर लेट देम टेल देयर एज एंड देन यू कैन से जस्ट यू लुक वंडरफुल, कीप डूइंग व्हाट एवर यू आर डूइंग. तो उसके लिए जो कोई लोग बताएंगे आपको अपने स्किन को कैसे ठीक करना है, सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन see on the Google or go on the app, you can do some or you know, I always like to talk to people who are like close to 100. Really, I got opportunity, yes, and yes. I want to know what did they do, and they're living so nicely. So I can just tell you, they all say we walk a lot and we yes. eat less and vegetarian. It's less a vegetable khao, yogurt khao, cheese khao, thoda sa fruits khao. It's very good. पर जब हमारी इतनी आदत बनी है कुछ अच्छा खाने की, गुलाब जामुन खाने की, सो डोंट स्किप एनीथिंग, जस्ट कट डाउन अ लिटिल बिट लेस. जग जी सब यही बोलते हैं कि हम रोज वेरी डिसिप्लिन वॉक करते हैं. वॉकिंग वेरी गुड, वॉकिंग इज वेरी हेल्थी बिकॉज़ वी कैन नॉट बी जंपिंग ऑल द टाइम. सो लेट्स गेट इनटू दैट हैबिट ऑफ वॉकिंग. योगा वोगा भी करते हैं कई लोगों ने, योगा करो, एनीथिंग दैट यू लाइट स्ट्रेचेस एंड एवरीथिंग, यू नो एनीथिंग टू मूव योर बॉडी इन द मॉर्निंग एंड बिफोर गोइंग टू बेड. बिकॉज रात को सोते हुए जो बॉडी है वो स्टिफ हो जाती है, उसको भी कोशिश करिए कि आप उसको थोड़ी बहुत स्ट्रेच करके फिर बिस्तर में जाएं. कोई लोग बताएंगे ऐसे नींद आएगी, वैसे नींद आएगी, एवरीबडी इज डिफरेंट. सो फाइंड योर ओन वे टू गेट गुड स्लीप. पीपल से 7 to 8 hours इज नीडेड, आई वोंट से दैट. सम पीपल गेट अ गुड स्लीप इन 2 hours फॉर पावर स्लीप, मे बी गुड फॉर यू. राइट, नेक्स्ट डे दे आर फाइन. एग्जैक्टली, 4 hours गुड स्लीप मे बी इनफ फॉर यू. Some people sleep 10 hours and not good for them. So find your own way. So abhi tak to hum yahan pe hi pahunche, or bring joy to your life. Now we are coming to what the social life and friends do that to you. Wo bhi important part aging ka hai, ki we have to bring joy into the life. Whether you want to joy, exercise aapko joy milti hai, aapko kaam se joy milti hai, aapko friends ke saath taash khelne mein joy milti hai, आपको ब्रिज खेलना है उससे जॉय, जिस चीज से भी आपको. कैरियोकी, हमारी जॉय कहाँ से आती है ज्योति जी? कैरियोकी सिंगिंग, सो म्यूजिक से आती है. सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड ब्रिंगिंग जॉय इनटू योर लाइफ विद योर, आई वोंट कॉल डिसेबिलिटी, विद योर एज. एज के साथ में जो हमारे रिस्ट्रिक्शंस आती है, सो वी कैन ब्रिंग डिफरेंट काइंड ऑफ जॉय. अभी आपने देखा होगा लूडो बहुत मिलती है इंडियन स्टोर में, कैरम बोर्ड मिलने शुरू हो गए हैं दोबारा से, जो कि पहले नहीं मिलते थे. तो आप अपने आप खेलो, अपने हस्बैंड के साथ खेलो, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ खेलो, उनकी अपनी गेम्स होती है. बट व्हाट आई एम सेइंग इज यू कैन डू एनीथिंग टू लाफ, टू मेक एवरीबडी अराउंड यू हैप्पी एंड यू स्टे हैप्पी. अब हमारी इसमें आती है सोशल लाइफ. सोशल लाइफ इज ब्रिंगिंग पीपल लाइक माइंडेड. आप अपने साथ उन लोगों के साथ रहिए जिनके साथ आपको खुशी मिलती है. देयर सम पीपल हु मे ट्राई टू पुट यू डाउन, पर उसको आप चैलेंज समझिए. व्हेन समबडी पुट्स यू डाउन, इट्स गिविंग यू अ न्यू एक्सपीरियंस इन लाइफ. इफ समबडी प्रेजेस यू, मेक्स यू फील गुड. बट अ गुड फ्रेंड विल टेल यू, नॉट इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी, बट यू नो ऐसे कर लेती तो ज्यादा बेटर. दैट्स गुड फ्रेंड विल टेल यू द ट्रूथ. वही गुड फ्रेंड है हु आर एबल टू टेल योर नेगेटिव पॉइंट्स and telling you to improve, not the good friends who samne to praise kar dete hain baad mein kehte hain kaise. So try to find good friends who will help you to improve. To isi ko hum bolte hain graceful aging. And then we cannot forget our family life. Family life hoti hai hamare bacche hain, grandchildren hain, brothers and sisters hain. With age, again age ki baat hum kar rahe hain, the disputes aa jate hain families mein, brothers mein, sisters mein. जब तक हमारे पेरेंट्स जिंदा होते हैं, वी ट्राई टू कीप आवर फैमिली टुगेदर. पेरेंट्स नहीं नहीं चल तू कोई बात नहीं, ऐसे कर ले ऐसे कर ले, तू बड़ी है कोई छोटी है, ऐसे आपके सबके हमारी फैमिलीज के साथ होता है. लेकिन जब हमारे को अपना एक्सपीरियंस गेन हो जाता है, हम लोग कोई जोर से बात कर रहा तो उस वक्त हम चुप कर जाते हैं, क्योंकि इट्स बेटर दैट वे. एक चुप्पी बेटर देन मुंह से कोई गलत बात निकले. तो वो फैमिलीज को भी समझाना पड़ता है, बट वी कैन कट विद देम बिकॉज़ वी मे नीड. फैमिली विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू इफ यू गेट सिक.
बोलेंगे जरूर क्या है, करती रही है, सुनती नहीं है, गिरती पड़ती रहती है, आई नो, बट देल बी स्टिल देयर. आपको मालूम है जब फैमिली में कोई बीमार होता है, हम सब लोग कोशिश करते हैं उनको जाके हेल्प करें, कुछ भी करें. सो वी आर गोइंग द फ्रेंड्स लाइफ. तो देर इज अ वेरी फेमस कोट, मेजर योर लाइफ नॉट विद द एज, मेजर योर लाइफ हाउ मेनी फ्रेंड्स यू हैव गेन्ड एंड हाउ मेनी फैमिलीज विल बी देयर फॉर यू व्हेन यू रियली नीड देम. सो दैट्स कॉल्ड ग्रेसफुल एजिंग, लुकिंग ग्रेट, फीलिंग ग्रेट एंड स्टेइंग हेल्थी. तो ज्योति जी यही आज हम रिपीट कर रहे थे सारी बातें, बट इफ देयर एनीथिंग एल्स जस्ट तो टेक वन. जल्दी, आप तो डॉक्टर हैं, इतने सीरियस पेशेंट को भी देखते हैं, और आपने ये सोशल वाली बातें भी बहुत अच्छी करी हैं, जो कि यू नो वेरी फ्यू पीपल कैन डू दैट, बट यू आर मिक्सिंग ऑल योर एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस, माई एक्सपीरियंस, यही हमने बोला, या एक्सपीरियंस के साथ में हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस आ गया कि वी आर एबल टू टेल व्हाट्स गुड फॉर मी एंड व्हाट्स आल्सो गुड फॉर अदर्स. या फ्रेंड्स हैं, या हम बहुत खुशी देते हैं, लेकिन समटाइम्स वी फील लाइक यू नो दे मे बी ट्राइंग टू पुट यू डाउन. सो आइदर यू कैन एबल टू टेल देम, इफ यू आर नॉट एबल टू टेल देम देन यू से ओके आई इफ अगर तो आपके बहुत अच्छे फ्रेंड है, दे आर ऑलवेज देयर, यू पैच अप विद देम. You try once, you try two times, try three times. After that, you say, okay, maybe that person wants to move on, so you move on too. ऐसी बात नहीं है कि हम ये सब नहीं कर सकते वो हैं. बिल्कुल ठीक आपने बोला, बिल्कुल ठीक जो भी आपने कहा. और वेरी फ्रेंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर इम्पोर्टेंट, लाइफ, यस, क्योंकि आप लोग कितने साल उनके साथ गुजारते हो, कितना टाइम, एवरी एब्सोल्युटली, डे समटाइम्स यू स्पेंड कपल ऑफ आवर्स, और चलो वीकली बेसिस पे, तो थिंक अबाउट इट, हाउ मच टाइम यू आर इन्वेस्टिंग विद योर फ्रेंड्स, एंड या इफ दे आर गिविंग यू स्ट्रेस देन इज नो गुड, देन इज बेटर टू मूव ऑन, यू नो, बिकॉज इट्स यू वॉन्ट पॉजिटिव वाइब्रेशंस एवरीवेयर, यू डोंट वॉन्ट नेगेटिव. इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन इज एवरीवेयर. देखिए और कुछ नहीं तो आप जाइए लाइब्रेरी में चले जाओ, फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन, फुल ऑफ बुक्स. पीपल लव टू रीड बुक्स, लॉट ऑफ पीपल जस्ट लव टू रीड बुक्स, बट दैट मेक्स यू लोनली. सो वो भी पढ़िए, बुक्स भी बड़ी इंपॉर्टेंट है. अपनी सोल सर्च करिए, जो मर्जी करिए, लेकिन बी ए सोशल एनिमल, वी टीवी आर से भी आप देख एनिमल. सकते हो, टीवी से यू कैन लर्न अ लॉट विद फ्रेंड्स, यू यस टॉक यस, हेल्दी और वेरी इंटेलेक्चुअल टॉक्स, यू कैन सामने लर्न अ सामने, लॉट वेरी, ऑफ थिंग्स, वो कहते हैं ना आई एम ह्यूमन बीइंग इज ए एनिमल, हम एनिमल से आए हैं, और ए सोशल एनिमल बनना बहुत इंपॉर्टेंट है. हमारे तो देखिए ज्योति जी कितने फ्रेंड्स हैं, आपको कितना अच्छा लगता है जब हम मिलते हैं आपस में और अच्छी अच्छी बातें करते हैं, गाने भी गाते हैं, तो हमको लगता है कि और भी हम एक्सटेंड तो नहीं, बहुत इसके कर अलावा सकते गाने ही नहीं, इसके अलावा भी वी डू लॉट्स ऑफ थिंग्स, हैं. वी यस एक्सेस वेल्थ करते हैं, नेचर में जाते हैं, यस एंड भजन, लॉट्स ऑफ यस एक्टिविटीज वी डू, यू नो, यस कीप यस अवर यस सेल्फ हैप्पी एंड देन वी टेक अवर फ्रेंड्स विद यू आल्सो, एंड आई पर्सनली थिंक नेचर मेक्स यू रियली हैप्पी. नेचर. ओ रिमेंबर वी व्हेन वी सॉ द एप्पल्स हैंगिंग ऑन द ट्री, ओ माय गॉड, इट वाज सच अ जॉयफुल मोमेंट. आई ओके, so that gives a lot of धीरे joy. धीरे एज के साथ आपको पता लग जाता है कि यू डोंट हैव टू टेक द स्ट्रेस, स्ट्रेस या तो आने दो, यू डोंट, यू जस्ट चेंज योर सेल्फ थोड़ा सा और यू आने विल बी दो, हैप्पी. चेंज योर एटीट्यूड. हाँ इससे मेरे को ये भी बात याद आता है, देखिए हमको मालूम है चार मौसम आएंगे, राइट. अब देखिए गर्मी है तो हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना, अब अंदर बैठे हैं, एसी लगाया, फैन लगाया. इसी तरह से जो भी स्ट्रेस बाहर से आएगा उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे एक शील्ड होनी चाहिए. वो शील्ड यही है कि ट्राई टू कीप योर फेस एज नॉर्मल एज पॉसिबल, और उस स्ट्रेस को डील करने में आपको ही अच्छा लगेगा. डीप ब्रीदिंग, तो हमने डीप ब्रीदिंग की तो बात ही नहीं करी. वो कहते हैं एक स्ट्रेस डील करने के लिए जस्ट ए पर्सन इज येलिंग एट यू, आप जरा विदाउट स्माइलिंग जस्ट टेक, अगले बंदे को पता लग जाएगा ये स्माइल नहीं कर रहे हैं, दे आर रियली गेटिंग लिटिल बिट अपसेट. टेक अ डीप ब्रेथ एंड से तो हाउ शुड आई रिस्पॉन्ड टू दैट, टेक अनदर डीप ब्रेथ अगर आपको लेना हो तो. डीप ब्रीदिंग की हमने आज हमने इतनी बातें नहीं करी प्राणायाम की. जगजी थोड़ा सा या बताइए हम कहाँ गए थे, सबको बताओ, ओ या और टुडे कुछ वी कुछ अपने तरफ से कुछ उनको बताओ क्या करना चाहिए जब जाओ ऐसी जगह. देखिए वो हम लोग गए क्रिकेट का, एकदम से हमको लगा कि आज आ जाइए. वहां स्टेडियम आपको मालूम है आइजनहावर पार्क में टेम्पररी स्टेडियम बना, बट इट वाज रियली डन वेरी वेल. द हार्ड थिंग वाज टू रीच देयर बिकॉज दे नॉट अलाउइंग द कार्स टू कम नियर. तो अगर आप जा रहे हैं अभी तो पूरा बहुत टाइम चलेगा. टुडे द मैच वाज बिटवीन श्रीलंका
इन साउथ साउथ अफ्रीका, अफ्रीका या तो आधा स्टेडियम था पर बहुत भरा हुआ था, बिकॉज 36,000 कैपेसिटी आई हर्ड. सो यू हैव टू टेक योर कार, यू कैन टेक इट अप टू नासो कॉलोसियम, वहां पे कार पार्क करने के पैसे लगेंगे, वहां से $43, बट या दैट्स अ लॉट ऑफ मनी, बट यू नो, और समबडी कैन ड्रॉप यू, देन यू मैरियट के सामने कोई ड्रॉप कर दे आपको, तो आप चल के वहां से, बसेस फ्री हैं, हाँ, बसेस ले बसेस आर जाएंगी फ्री फ्रॉम आपको नासा कोलोसियम टू द स्टेडियम, बोथ आइजनहावर पार्क वेज, स्टेडियम, बोथ वेज. यस. उसके बाद में तो स्ट्रिक्ट, इट्स सो मच सिक्योरिटी. आई नो वी वर स्केयर्ड टू सी सो मच सिक्योरिटी एंड द पुलिस गाय विद द मशीन गन्स. आई सेड ओह माय गॉड, दिस इज रियली इंटरेस्टिंग. तो देखा, फिर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा थी. एंड द वन द थिंग लेके दैट नहीं जाए बाद, वो बता दीजिए, कुछ हाँ, सोचते हैं आप. बाद में मुझे क्या करा कि मैं तो हमेशा अपना पॉकेट बुक लेके जाती हूँ. सो यू नॉट अलाउड बिग पॉकेट बुक्स, स्मॉल या आपका जो ये वेस्ट होते हैं वो लगाइए, और खाली अपनी आईडी लेके जाइए, फोन लेके जाइए. फोन अलाउड है, नो बॉटल्स, नो ड्रिंक्स, जस्ट अ स्मॉल बैग, बिकॉज फॉर दैट वी हैड टू डिपॉजिट आवर बैग विद द कार कीज एंड एवरीथिंग. इट बादर्ड मी अ लॉट, बट एवरीथिंग वॉज वेरी सेफ विद लॉकर अ या लॉट ऑफ सिक्योरिटी. फिर उसके बाद टेम्परेचर इज 87, सो ट्राई टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द सन. इफ यू वॉन्ट ब्रिंग योर हैट, यू आई डेंट सी एनी सनग्लासेस, सनग्लासेस आई या डेंट सी एनी बडी विद अम्ब्रेला. सन ग्लासेस एंड ए हैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. वहां पे ही आपको पानी की बोतल खरीदनी पड़ेगी, बिकॉज यू नो यू कैन नॉट अलाउड टू टेक एनी वाटर. वाटरिंग, ड्रिंकिंग वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो ये थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस आपको अगर एंड मालूम आई हो. ऑल्सो वॉन्ट टू एड कि ऑल इंडियंस, एवरीबडी शुड गो वंस, यू नो देयर इज अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस, यूनिक एक्सपीरियंस टू सिट देयर विद ऑल इंडियंस अराउंड विद पेट्रियोटिक फीलिंग विद देयर फ्लैग्स एंड ऑसम. सो एक बार जाने की कोशिश करिए, टिकट महंगी है कोई बात नहीं, बट प्लीज गो एटलीस्ट वंस, यू नो दिस मैच इज अप टू जून 12th एनीवे. या जून 12 तक है. इंडिया वर्सेस पाकिस्तान तो आप सोचे भी नहीं, क्योंकि वो सब मोस्ट फेमस है. एंड लेट्स सी इफ वी कैन गेट टिकट्स. ज्योति जी, ट्राई टू फाइंड आउट अगर हमको मिलती है. इवन द लास्ट डे, आई थिंक लास्ट डे आई ऑफ द एम नॉट मोर. हेयर फ्यू डेज लाइक ओके ओके, ओह एंड जून 9th आई विल बी न्यू जर्सी, सो आई विल मिस. गुड, बट एंजॉय. एनीवे, नो, बहुत अच्छा आज का सेशन हो गया जगजी. बहुत आई वॉज जस्ट थिंकिंग हाउ वी विल डू इट बिकॉज वी वर देयर और 12 बजे. यस, थैंक या नो, इट वाज रियली हार्ड, यू फॉर कमिंग, ज्वाइनिंग एंड यस, कमिंग बैक वाज नॉट इजी. वी हैव टू गेट एन ऊबर. ऊबर वाले को पता नहीं कहाँ से पिक करना है, फ्रॉम लासा कोलोसियम. काफी इट वाज टाइम लग गया, सो इट वॉज नॉट अवर रिमाइंड्स फॉल्ट. बट मी ऑफ इंडिया. इंडिया में भी ऐसे ही जाते थे, घूमने चले जाते, निकलते जाते थे इंडिया गेट, लेकिन हमेशा वापस आते वक्त ना कोई सवारी ना प्रॉब्लम कुछ. होती है, बट इट वाज जस्ट लाइक इंडियन जनरल. स्टिल वी हैव स्पेंट फ्यू ओ, आवर्स टुगेदर, बहुत अच्छा लगा एंड वी वर देयर इन द आई स्टेडियम, बहुत एग्री. अच्छा लगा. एनी एक्सपीरियंस गेन इज अ गुड एक्सपीरियंस, सो वी कैन टेल सो वी पीपल. लर्न समथिंग टू टेल यस यू एंड वी टोल्ड यू यू नो यस, व्हाट यू नीड टू डू. चलो तो चलिए अब खुश करें. ज्योति जी, गाना, गाना गाना तो एक लाइन तो गानी पड़ेगी. यस, एक एक लाइन की बिल्कुल. अच्छा आज हमने एजिंग पे है तो मेरे को एकदम उम्र पे गाना आ गया, जगजीत सिंह जी का बिल्कुल. दो लाइन सुनाने. ना उम्र की सीमा हो ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन. ओके दैट्स इट फ्रॉम वाह, आपने उम्र की बात करी तो एक मूवी थी ऊंचाई, विद अमिताभ बच्चन. वन ऑफ द हिमालयस. थ्री फ्रेंड्स से गो अप टू हिमालयस, और दैट एज किसी को डायबिटीज है, तो ये मूवी भी आप देख लेना जरा, बड़े मजेदार मूवी थी. इट टेल्स यू. तो अब ज्योति जी ने तो बताया ना उम्र की सीमा. मैं तो बोलती हूँ कि हमारे गाने ऐसे होने चाहिए कि हम यंग फील करें इनसाइड में आइए भी. गाइए जगदीश. चलिए सुनिए. हम मतवाले नौजवान, मंजिलों के उजाले, लोग करें बदनामी, कैसे हैं दुनिया वाले, करें भलाई हम, बुरे बने हरदम, इस जहां की रीत निराली, हाय रे हाय सितम. हम मतवाले नौजवान, और आए, हम हाँ नौजवान रहना चाहते हैं अंदर से. इस गाने का मेरे को अगर कहीं पर अंताक्षरी या कुछ हो तो जवाब है, कितने भी तू कर ले सितम, तुम,
हंस हंस के सहेंगे हम, ये प्यार ना होगा कम, सनम तेरी कसम। कितना अच्छा गाना है ना। कसम में वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। इसका जवाब दीजिए। कसम में वादे निभाएंगे, वेरी गुड। साथ रहेंगे जन्म जन्म। गानों के मामले में तो बहुत गाने आते हैं, वेरी वेरी पर गुड, वेरी टाइम गुड। को भी देखना है जग्गी। यस तो यस हम अभी सबसे अलविदा लेते हैं और फिर मिलते हैं आपको मंडे को, वन ऑफ द मंडे। और बहुत अच्छा लगा, थैंक यू जग जी, बहुत सारी थैंक बातें यू हमने कर ली और ज्योति इतना जी, टाइम भी नहीं हुआ, सो दैट्स गुड। गुड परफेक्ट टाइमिंग। वी या आर वेरी गुड, वी आर पंक्चुअल विद द टाइम। ओनली टुडे वी कुड नॉट कम ऑन टाइम, बट वी विल बी देयर एनी क्वेश्चंस एनी ओके टाइम। चलो ठीक है, तो हम अभी ओके चलते हैं। अच्छा तो हम चलते हैं, आप सब लोग को नमस्ते। और YouTube का वीडियो भी आउट होगा, आप लोग देखना उसको, सुनना, आपको कुछ ना कुछ सीखेंगे, आप लर्न करेंगे। थैंक वॉक करने के लिए यू चलते हैं। लेट्स गो नाउ, वेट जी। अनदर आवर। या थैंक यू थैंक यू।